हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज के ब्लॉग पे हम लोग आए हैं निर्मलझर मंदिर। निर्मलझर जो मंदिर जो कि ये गंजाम में आता है और ये बालूगांव से करीबन 10 किलोमीटर के दूर पे है। तो अगर आप कभी भी बालूगांव आ रहे हैं, चिल्का के प्लेस पे आ रहे हैं और आपके पास टाइम है घूमने के लिए, तो इस प्लेस पे थोड़ा आइएगा और ये मंदिर को आप ज़रूर विजिट करिएगा। और ये मंदिर को विजिट करने का मतलब, ये मंदिर इसीलिए फेमस है क्योंकि इस मंदिर के नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि निर्मलझर, निर्मल मतलब स्वच्छ, झर मतलब पानी, मतलब जो कि झरना जैसा झर के आ रहा है बोल के यहाँ का मानना है कि यहाँ पे जो भी पानी मंदिर के अंदर जो भी पानी आ रहा है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, इतना बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है और ये मंदिर के अंदर आ रहा है। मंदिर के अंदर में बहुत बड़ा सा तालाब बना हुआ है, उसके अंदर पानी स्टोर होकर रुकता है, फिर ये पानी इस मंदिर से बाहर निकल जाता है। तो चलिए हम पहले इस मंदिर को देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई पुजारी मिला तो हम उससे भी बात करेंगे कि इस मंदिर के खासियत के बारे में। तो चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के बारे में दर्शन करते हैं। अगर कोई हमें मिलता है तो उनसे पूछते हैं, अगर नहीं भी मिलता है तो हम मंदिर को उपभोग करते हैं, एंजॉय करते हैं। और मैं अभी मंदिर के पूरे ऊपर में हूँ, पहाड़ के ऊपर हूँ। मैं आपको ऊपर का व्यू आपको शो करा देता हूँ, व्यू करा देता हूँ। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से मंदिर बना हुआ है इस मंदिर के अंदर। यहाँ पे सारे बहुत कुछ पुराने मंदिर है, आप मतलब मंदिर के स्ट्रक्चर से देख के आप जान सकते हैं। पर और यहाँ पे एक चीज मैंने ये देखा कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे मंदिर है, इस कंपाउंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है डिफरेंट, और सारे मंदिर के सामने एक छोटा सा पोर्ट बना हुआ है या छोटा सा कुंड बना हुआ है जहाँ पे भी पानी स्टोर होके रह रहा है। और ये सारा पानी जो हो रहा है, ये सारे ऊपर से जो भी पानी है झर के आ रहे हैं और यहाँ से सब मंदिर के सामने से पानी रह के फिर वो मेन वाले कुंड पे जा रहे हैं। छेड़ो
ये वाला जो है सबसे बड़ा वाला तालाब है या कुंड है, जो कि सारा पानी मंदिर के सामने जो छोटा छोटा कुंड है वहाँ से पानी का फ्लो होने के बाद वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से वो बाहर मंदिर के बाहर निकल जा रहा है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये वाला जो मंदिर का पानी है ये हमेशा साल भर इसी तरह से इसका फ्लो रहता है, वो बारिश हो या धूप हो किसी भी तरह से कोई भी सीजन में पानी इसी फ्लो में निकलता है। ये मंदिर का फ्रंट वाला व्यू है, आप देख पा रहे हो कि ये पहाड़ के नीचे ही बना हुआ है और पहाड़ के ऊपर से पानी झरके आ रहा है। और ये मेन तालाब है, मेन तालाब को जो भी पानी आ रहा है सामने जो हाथी का सूंड बना हुआ है वहां से सारा पानी निकल रहा है। आज का हमारा ये ब्लॉग जो कि निर्मल झर के टेम्पल के बारे में था और ये कि खलीकोट में है, इसको ब्लॉग को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आपको अगर कभी टाइम मिला तो आप ये मंदिर को ज़रूर विजिट करिएगा, ये बहुत ही मस्त प्लेस है। इस कंपाउंड के अंदर चार मंदिर है, चार जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, एक दो देवी का मंदिर, एक राधा कृष्ण का मंदिर, मतलब टोटल चार मंदिर है। अगर आप आपके फैमिली के साथ या इंडिविजुअल आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर ही आपको भरपूर एन्जॉय करके ही जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग में दूसरे प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।